सो अमेजोन से मैंने बहुत सारे पैकेज बनाए, वन ऑफ देम है ज़राई, आई गेस इसमें अपना स्पीकर है बहुत ही सस्ता वाला, तो ये मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए मंगाया है क्योंकि हैदराबाद में मेरे पास ऑलरेडी एक स्पीकर है। खोलो खोलो, अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलो इसको, चीर फाड़ करो इसकी, बहुत अच्छी अनबॉक्सिंग थी अपने को, फाड़ बॉक्सिंग होनी चाहिए, अनबॉक्सिंग होनी चाहिए। एक बात है, पैकिंग बड़ी शानदार थी, और ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट मंगा लिया गया है। नहीं नहीं, सो मैंने ये प्रोडक्ट इसीलिए खरीदा था क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। वाओ, सो ये मेरा लाइट लैंप वाला टच लैंप पोर्टेबल स्पीकर है, इसको अपन टच करेंगे तो ये डिफरेंट शेड्स में लाइट दिखाएगा, ठीक है। ओपन ये बहुत सारे मोड भी है, इसमें लाइट है, इसमें ऑडियो सुन सकते हो आप, इसमें सिर्फ SD कार्ड लगा सकते हो और कॉल भी आप इसमें, बिकॉज इसमें इनबिल्ट माइक है तो आप इससे कॉल भी बात भी कर सकते हो। एंड दिस इज इट, इसके साथ अपना एक ये एलेक्सा जैसा कैसे लग रहा है मेरे को ये, और ये एलेक्सा की नकली कॉपी है, तो बट ये मुझे डाउट है कि अरे खोलो इसको यार। अच्छा, सो दिस इज हाउ वी कैन हैंग इट, हैंग इट, और लेट्स सी चार्ज हो गया। ओके, तो ये चार्ज नहीं है, तो अपन इस पर जब एक बार चालू करेंगे तो बताएंगे क्या क्या फीचर है इसमें। यहाँ पे माइक्रो SD स्लॉट है, ऑफ केबल है, चार्जिंग ऑन ऑफ, और आई थिंक लाइट यहाँ पे टच करने से चेंज होती है, दैट आई विल शो यू। अभी ये चार्ज द ब्लूटूथ डिवाइस इज रीडिंग टू हैव, सही है, ठीक है। सो दोस्तों, अपन ने इसको चार्ज कर लिया है प्रोडक्ट को, और अभी मैं कुछ फीचर बताता हूँ इसके। पहले मैं लाइट वाले फीचर बताता हूँ, तो इसमें अगर अपन ऐसे टच करेंगे तो इसमें लाइट जलती है, तो एक लैंप की तरह काम करता है। अगर इसको हर बार अपन टच करेंगे तो लाइट बढ़ती जाएगी और लाइट बंद हो जाएगी, तो तीन स्टेज में इसको लैंप लाइट दी गई है। दूसरा फीचर है, अगर हम इसको टच करके रखेंगे तो इसमें कलरफुल लाइट जलती है, और वो भी अपन मोड चेंज कर सकते हैं टच कर करके। ये तो रही इसकी लाइटिंग की बात, जो कि ज़्यादा अच्छी है, एज ए लैम्प ये ज़्यादा बेटर है। अगर हम स्पीकर की बात करें तो इसका जो स्पीकर है वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, जस्ट अगर आपको कुछ लैपटॉप में सुना, जैसे मेरे लैपटॉप की आवाज़ बहुत कम है, तो मुझे सिर्फ मूवी देखने के लिए या यूट्यूब वीडियो देखने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, बट अगर किसी को म्यूजिक सुनना है तो ये स्पीकर मैं रेकमेंड नहीं करता। ये सिर्फ आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्री, कुछ मूवी देखना है उसके लिए बेटर है, पर अगर आप म्यूजिक लवर हो तो दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। सो ये मेरा रिव्यू था इस प्रोडक्ट पे अनबॉक्सिंग, ऑल्दो ये बहुत सस्ता है, 450 का है, तो मैं इसको रिटर्न नहीं करूँगा, वर्थ है, लेंथ की तरह तो काम आ ही सकता है। थैंक यू।